मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स. बच्चों, आज हम ई टू एच लिखेंगे एक साथ. देखिए, इसमें आप वन वन लेटर्स की वन वन पेज में प्रैक्टिस कर चुके हैं. आज हम ये फोर लेटर्स एक साथ लिखेंगे, ई एफ जी एच. देखिए, इस तरह से आपको इसको डॉट्स डलवाने हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए हुए थे. ई के आपको ये थ्री डॉट्स डलवाने हैं अपर थ्री लाइंस में. F के लिए बिल्कुल इसी तरीके से. H के लिए आपको टू डॉट्स डलवाने हैं अपर थ्री लाइंस में, और H के लिए आपको फोर डॉट्स डलवाने हैं. E F G H. देखिए, E बनाने के लिए आपको ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हुए स्टैंडिंग लाइन बनानी है, देन थ्री स्लीपिंग लाइंस बनानी है कॉपी की लाइंस के ऊपर ही. सबसे ऊपर वाली लाइन पर, मिडिल लाइन पर और नीचे वाली थर्ड लाइन पर. E एफ़ बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और टू स्लीपिंग लाइंस बनाएंगे सबसे ऊपर वाली लाइन पर और मिडिल लाइन पर. एफ जी बनाने के लिए आपको पहले सी बनाना है, ये टू डॉट्स से इस तरह से, फिर इसको ऊपर मिडिल लाइन तक लेकर जाना है. मिडिल लाइन पे छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनानी है, देन स्टैंडिंग लाइन बनानी है नीचे की ओर लाते हुए नीचे वाली थर्ड लाइन तक. एच बनाने के लिए आपको ये टू स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, देन स्लीपिंग लाइन. ई स्टैंडिंग लाइन, थ्री स्लीपिंग लाइंस. एफ टू स्लीपिंग लाइंस. जी बनाने के लिए सी बनाया, इसको ऊपर तक लेकर गए, मिडिल लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाई, देन स्टैंडिंग लाइन बनाई. एच एच बनाने के लिए टू स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन. ई बनाया, ई वन स्टैंडिंग लाइन, देन थ्री स्लीपिंग लाइन्स. एफ के लिए वन स्टैंडिंग लाइन, टू स्लीपिंग लाइन्स. जी के लिए ऐसे कर्व किया जी. एच के लिए टू स्टैंडिंग लाइन, देन वन स्लीपिंग लाइन. इस तरह बोल बोल कर आपको राइट करने हैं. ई एफ जी एच ई एफ जी एच. इस तरह से आपको इसकी फुल पेज प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग.